हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का जो संस्कृत का पेपर है आपका, अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश 2022-23, इसकी तैयारी के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक पेपर के माध्यम से ही, तो इनको आप कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु मॉडल पेपर है आपका ये, और संस्कृत विषय का है, कक्षा 10वीं 2023, देख सकते हैं। और 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। और जिस प्रकार से आपको यहाँ बताया गया है, इंट्रक्शन जो निर्देश दिए हैं, इन निर्देश के आधार पर ही सारे आपके वार्षिक परीक्षा तक के जो पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मोस्ट मोस्ट प्रश्न बता दूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए, उचित विकल्पम चीत्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुनकर लिखिए। महेंद्र इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, महेंद्र जो पद है इसमें आपको संधि बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, दीर्घ, वृद्धि, अयादि और गुण। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये आपका करेक्ट होगा, इसमें गुण संधि है, ठीक है ना। आप एक एक प्रश्न को नोट कर लें या डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, दिग्गजः इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, मतलब जो दिग्गज शब्द है इसमें संधि आपको बताना है। डायरेक्ट अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए उत्तर बताऊंगा, तो उत्तर को आप याद रखना। व्यंजन संधि है दिग्गजः, इसमें व्यंजन संधि है। राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन पदे समासः अस्ति, मतलब जो राम लक्ष्मण पद आपको दिए गए हैं इसमें समास बताना है। तो मित्रों, इसमें आपका जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। इसके बाद में द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, मतलब जो द्विगु समास है उसका उदाहरण है। तो यहाँ आपको एक बात गौर करनी है कि जो द्विगु जो समास होता है इसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम मतलब तेरणाम भुवनानाम समाहार, इसका इस प्रकार से बनेगा। तो मित्रों, इसमें आपको त्रिभुवनम कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद अगला देखिएगा, अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब कि जो प्रारंभ में लगकर, शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है। वो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो रहेगा प्रा, प्रा उपसर्ग इसमें है। तो ये जो दिया गया है ये उपसर्ग है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर घ में दिया है, ठीक है, लास्ट वाले में। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिया गया है द्रक्षति, द्रक्षति दिया है मित्रों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले भी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, जो पहले आपकी परीक्षा हुई थी उन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पिछले साल की परीक्षाओं में। इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, द्रक्षति इसमें धातु बताना है, दृश्य धातु है, दृश्य धातु, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ कंप्लीट हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये जो आपके सामने रिक्त स्थान आए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप करेंगे, पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, प्रदत्ता ये शब्द है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। तो जो आपको फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में आपको यहाँ पर बताया गया है हरितिमा सूचि पर्यावरणम, ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ना सूचि पर्यावरण, इससे लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यत्र लिखेंगे, यत्र, और यहाँ पर हरितिमा के आगे लिखेंगे तत्र, यत्र तत्र सूचि पर्यावरणम। इसके बाद में पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते आराधना, मतलब पर्यावरण संरक्षण जो है प्रकृति की आराधना है। तो इसमें सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है, एव, एव मतलब ही, ठीक है ना, मतलब कि पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है, इस प्रकार से होगा। इसके बाद में जीवनम दुर्वहम अस्ति, इसका आपको करेक्ट याद रखना है, अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। इसके बाद में विना जीवनम न अस्ति, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, विद्या, विद्या विना जीवनम ना अस्ति। सा खंजह अस्ति, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको लिखना है चरणय, क्या लिखना है, चरणय, चरणय, इस प्रकार से ये लिखेंगे ये पद जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और ये उत्तर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, तो इसमें आप उत्तर भी देख सकते हैं। अगला देखिए, व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवंती, तो यहाँ पर अपि लिखेंगे, अपि सुंदरा, इस प्रकार से। अब देखिएगा, युग मेलनम कुरुत, ये जोड़ी है आपकी सलिलम, तो सलिलम के आगे आप क्या लिखेंगे, सलिलम है जलम, ठीक है। आम्रम, तो जो आम्रम है इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको रसालम लिखना है, ये रसालम जो दिया गया ना यहाँ ये।
इसके बाद वनम, तो वन जो होता है ना, वन हम मतलब जंगल के लिए यूज करते हैं, तो वनम का आप लिखेंगे अरण्यम। और इसके बाद में शरीरम, शरीरम जो शरीरम है इसके आगे आपको लिखना है देहम, क्योंकि देह तन गात काया इस शरीर के लिए उपयोग होता है। कुटिलम, तो इसमें आपको याद रखना है कुटिलम का आपको वक्रम करना है, ठीक है ना, वक्रम मतलब टेढ़ा। और पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, तो प्रस्तरः, इसमें इस प्रकार से आप जोड़ी मिलाएंगे। ठीक, अब देखिए जोड़ी के नंबर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, ये भी आपको कंप्लीट करने हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यं संस्कृतया लिखत, मतलब कि संस्कृत भाषा में लिखना। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, मतलब दिन रात क्या चल रहा है, तो आप लिखेंगे काला या सचक्रम, लोहयुक्त चक्र। अहम कस्मे जीवनम कामये, हम मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, तो मानवाय आप लिखेंगे, मानवाय मतलब मानव के जीवन की कामना करता हूँ। भामिनी कया विमुक्ता, मतलब जो भामिनी थी वो किस प्रकार से विमुक्त हुई, तो निज बुद्धिया मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वयं की बुद्धि से। इसके बाद व्याघ्र कस्मात बिभेति, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मानुषात, मनुष्य से डर रहा था वो, मानुषात इस प्रकार से। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, मतलब कि जो परम आरोग्य है वो कैसे उपजता है, तो व्यायाम से, व्यायामात, तो आप क्या लिखेंगे, परमम आरोग्यम व्यायामात उपजायते, व्यायामात इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद कश्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस जो है वो स्थिर हो जाता है, अर्थात कि कह सकते हैं एक तरह से मजबूत हो जाता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कश्य मांस स्थिरी भवति में व्यायाम भिरतस्य, व्यायाम भिरतस्य, भीर तस्य ये लिखेंगे, ठीक है ना। और कयो एक शरीर दुर्बल आसित, तो बलि वर्धयो, इसमें आप क्या करेंगे, बलि वर्धयो इस प्रकार लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बलि वर्धयो, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य आप देखिएगा, शुद्ध अशुद्ध आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। पिता पुत्राय बाल्ये विद्या धनम यच्छति, तो इसमें आम लिखेंगे। प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षणीया, इसमें भी आम लिखेंगे। इसके बाद में पृथ्वी उपशमनस्य स्थिरोपाय न अस्ति, तो इसमें ना लिखेंगे। विविशः प्राणिनां भूकंपेन निहन्यते, इसमें आम लिखेंगे। और कृष्णा कृषकाय आसीत, तो इसमें ना लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद विजन प्रदेश से पदयात्रा ना सुखा वहा, तो इसमें आम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शुद्ध अशुद्ध भी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद में कुछ और ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे सारे प्रश्नों को। ये मोस्ट मोस्ट प्रश्न आपको मैंने बता दिए हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है मिलती रहे आपकी एनुअल एग्जाम्स तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।